हेलो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टू थाउजेंड सेवेंटी मार्ग एंड दिस क्वेश्चन डील्स विथ लोकल एट्रैक्शन यहाँ पे हमें कहा गया है लाइन ए बी का जो बियरिंग है वो एन एटी डिग्री ई मतलब यहाँ नॉर्थ टू ईस्ट में एटी डिग्री बना रहा है लाइन ए बी लेकिन जो पॉइंट ए है उसमें लोकल एट्रैक्शन लग रहा है विज इज सेड हेयर लोकल एट्रैक्शन एट पॉइंट ए नाउ हमें करेक्ट बियरिंग डिटरमाइन करना ऑफ द लाइन हमें लाइन ए बी का करेक्ट बियरिंग डिटरमाइन करना है और यहाँ पॉइंट सी भी दिया गया है पॉइंट सी विच इज़ सेलेक्टेड एट विच देयर इज़ नो लोकल एट्रैक्शन सी पॉइंट में कोई भी लोकल एट्रैक्शन नहीं है और ए पॉइंट में लोकल एट्रैक्शन है हमारा जो लाइन ए सी है उसका बियरिंग दिया हुआ है एस फिफ्टी सेवन डिग्री थर्टी मिनट ई e, मतलब साउथ टू ईस्ट में जो लाइन जा रहा है ए सी उसका एंगल है फिफ्टी सेवन डिग्री थर्टी मिनट एंड देट ऑफ सी ए और जो लाइन सी टू ए जस्ट रिमेम्बर यहाँ ए टू सी लाइन जा रहा है और यहाँ लाइन सी टू ए जा रहा है तो ए टू सी में साउथ टू ईस्ट फिफ्टी सेवन डिग्री थर्टी मिनट एंड सी टू ए में नॉर्थ टू वेस्ट सिक्सटी डिग्री थर्टी मिनट एंड वी हैव टू डिटरमाइंड द करेक्ट बियरिंग ऑफ लाइन ए बी जिसमें कि ए पॉइंट में हमारा लोकल अट्रैक्शन लग रहा है नाउ सबसे पहले हम डील करेंगे केस वन से तो केस वन में हमारा यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है कि एट पॉइंट ए लोकल एट्रैक्शन है और नॉर्थ टू ईस्ट जो एंगल है वो है एटी डिग्री ऑफ लाइन ए बी तो सबसे पहले हम इसका ड्रॉ करेंगे देन सबसे पहले हम डायरेक्शन बनाएंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड लाइन ए बी तो ए ये पॉइंट हो गया ये मिडिल ऑरिजिन तो ऑरिजिन को हम ए मानेंगे और उससे चार डायरेक्शन जा रहा है और ए टू बी और ए टू बी का जो एंगल है फिर बियरिंग नॉर्थ टू तो ईस्ट एटी डिग्री तो मैंने जस्ट यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना बस इमेजनरी एक एंगल बना के ड्रॉ कर देना तो मैंने ऐसे लाइन बनाया है ए बी और यहाँ पे बियरिंग हमारा नॉर्थ टू तो ईस्ट एटी डिग्री क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एंड दिस इज एंगल एटी डिग्री अगेन अब हमारा टर्न है केस टू का जिसमें हमें कहा गया है कि ए पॉइंट से सी पॉइंट एक लाइन जा रहा है उसका बियरिंग दिया हुआ है साउथ टू ईस्ट फिफ्टी सेवन डिग्री थर्टी मिनट और जो सी पॉइंट है वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है ए पॉइंट पे है तो ए टू बी नॉर्थ टू ईस्ट एटी डिग्री एंड ए टू सी साउथ टू ईस्ट फिफ्टी सेवन डिग्री थर्टी मिनट एंड रिमेंबर मैंने कहा था ए टू सी एंड सी टू ए इज़ टू डिफरेंट एंगल तो ए टू सी का मतलब तो ये हो गया ए टू सी एंड सी टू ए सी टू ए सी पॉइंट में लोकल अट्रैक्शन नहीं है और सी टू ए का जो एंगल है बियर that दैट इज़ to टू वेस्ट सिक्सटी डिग्री थर्टी मिनट दट इज आवर सेकेंड केस और यहाँ पे मैंने बोल दिया है क्योंकि ए पॉइंट पे हमारा लोकल अट्रैक्शन लग रहा है तो ये नॉर्थ भले कहलाएगा लेकिन ये ट्रू नॉर्थ नहीं है जहाँ पे हमारा लोकल अट्रैक्शन लगता है वो नॉर्थ हमारा ट्रू नर्थ नहीं होता है और सी पॉइंट पर हमारा कोई भी लोकल एट्रैक्शन नहीं है सो द नॉर्थ इज़ अ ट्रू नॉर्थ अब क्योंकि हमारा ये पॉइंट जो है ये वाला डायरेक्शन जो है जो हमारा पॉइंट सी पे आ रहा है वो करेक्ट है तो इसके बेसिस पे होके हम पॉइंट ए को करेक्ट करेंगे और लाइन ए बी का थ्रू बियरिंग निकालेंगे नाउ एज ऑलरेडी सेट जो हमारा पॉइंट सी पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है और सी से जो ए है ये हमारा पॉइंट ए है उसका जो बियरिंग है नॉर्थ टू वेस्ट है सिक्सटी डिग्री थर्टी मिनट तो ऑब्वियसली जो हमारा पॉइंट ए है ए पे जो ये एंगल आएगा ए सी सी ए और ए सी का एंगल सेम आना चाहिए क्यों क्योंकि ये दोनों लाइन कॉरस्पॉन्डिंग लाइन है कॉरस्पॉन्डिंग लाइन है तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा ठीक तो इसके बेसिस पे होके अब हम हमारा ट्रू बियरिंग निकालेंगे सबसे पहले तो लोकल एट्रैक्शन यहाँ पे कितना आ रहा है वो निकालना है अब क्योंकि यहाँ सी पे लोकल एट्रैक्शन नहीं है और ए पे है तो ए टिल्ट करेगा अकॉर्डिंग टू सी सी का जो एंगल है उसके अनुसार ए अपने आप को टिल्ट करेगा देन आवर फिगर विल बी लाइक दिस वन ये जो है हमारा फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा जिसमें कि सी पॉइंट जैसा था ये वैसे ही रखा है मैंने और इसके अनुसार ये बनाया है ये हो गया हमारा ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ ट्रू ईस्ट ट्रू वेस्ट जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था सबसे पहले तो आप ये बना लें क्योंकि ये और ये इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा बस टिल्टिंग का प्रोसेस बाकी होगा जो कि हम लोकल एट्रैक्शन वाले पॉइंट को टिल्ट करेंगे एट दिस वन तो ट्रू नॉर्थ का काम हो गया सेम कॉरस्पोंडिंग एंगल तो ये एंगल और ये एंगल ठीक अब क्योंकि हमारा सी से ए ये लाइन जा रहा है तो ये लाइन भी इनकरेक्ट नहीं है ये लाइन भी सही है इस लाइन को हम नहीं टच करेंगे ये पॉइंट को हम नहीं टच करेंगे सिर्फ हम ये वाले को टच करेंगे जो हमारा लोकल एट्रैक्शन के कारण जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये जो हमारा लोकल एट्रैक्शन वाला जो नॉर्थ पॉइंट है ये इधर क्यों शिफ्ट हुआ है यहाँ क्यों नहीं हुआ क्योंकि ये जो हमारा जो लाइन है सी टू वे दैट इज़ करेक्ट गोइंग फ्रॉम सी टू एंड सी टू ए का जो एंगल है सिक्सटी डिग्री थर्टी मिनट यहाँ पर कोई लोकल एट्रैक्शन नहीं है सो so ये पॉइंट करेक्ट है और ये लाइन करेक्ट है बच्चा सिर्फ हमारा लोकल अट्रैक्शन वाला जो पॉइंट एंड द लाइन्स उसी को टिल करने को हमें मिलेगा इफ हमारा पॉइंट यहाँ था ऑरिजनली हमारा पॉइंट यहाँ था लोकल एट्रेक्शन वाला तो ईफ पॉइंट यहाँ जा रहा है तो ऑबली इसको सिक्सटी डिग्री से ज़्यादा होना पड़ेगा तभी पॉइंट हमारा यहाँ जाएगा लेकिन हमारा जो ये फिफ्टी सेवन डिग्री थर्टी मिनट है ये सिक्सटी डिग्री थर्टी मिनट से कम है तो सटिस इस लाइन को सेटिसफाई करने के लिए हमारा जो ये लाइन है लोकल अट्रैक्शन वाला ये यहाँ टिल्ट हो रहा है ये वाला जो एंगल हो गया वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया और यहाँ वाला जो एंगल ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है सो द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन शुड बी फिफ्टी सेवन डिग्री थर्टी मिनट तो उसके हिसाब से ये हमारा जो लाइन यहाँ पे था लोकल अट्रैक्शन जो लाइन यहाँ पे था वो ऐसे करके यहाँ टिल्ड हो रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है जो हमारा लोकल अट्रैक्शन आएगा वो होगा सिक्सटी डिग्री थर्टी मिनट माइनस फिफ्टी सेवन डिग्री थर्टी मिनट अवर लोकल अट्रैक्शन इज थ्री डिग्री नॉर्थ टू वेस्ट थ्री डिग्री नॉर्थ टू वेस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि ये थ्री डिग्री यहाँ ट्रांसफर होगा बिंग ऑल्टरनेट एंगल ये ऊपर जाएगा तो ये लोकल अट्रैक्शन वाला नॉर्थ और ये ट्रू नॉर्थ तो इसके बीच का जो एंगल है ये थ्री डिग्री है थ्री डिग्री लेकिन हम ये लोकल एट्रैक्शन वाला नॉर्थ को नहीं लेंगे नॉर्थ टू वेस्ट थ्री डिग्री ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्थ टू वेस्ट थ्री डिग्री इज द बियरिंग नाउ ए बी का जो बियरिंग था विद रिस्पेक्ट टू लोकल अट्रैक्शन वाला नॉर्थ वो था हमारा एटी डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट एंड डेस एंड ई डैश जस्ट टू मेक यू क्लियर कि ये हमारा लोकल अट्रैक्शन वाला नॉर्थ है और ये ट्रू नॉर्थ है सो so, अब ये जो 80 डिग्री है ये तो हमारा लोकल एट्रेक्शन वाला बियरिंग आ गया ए बी का तो इसमें से हम लोकल एट्रैक्शन जब घटाएंगे तब हमारा आएगा ट्रू बियरिंग ऑफ ए बी करेक्ट बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 80 डिग्री माइनस थ्री डिग्री इक्वल्स टू सेवेंटी सेवन डिग्री जिसका एक्सप्रेशन मैंने पहले ही दे दिया था कि ये जो एंगल था वो एडेड था विथ लोकल एट्रैक्शन और जब लोकल एट्रैक्शन हम माइनस कर देंगे तो हमारा ट्रू बियरिंग आएगा अबाउट ट्रू नॉर्थ So the answer is north to east 77 degree.